हाँ फ्रेंड नमस्कार, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि हम कोई भी यानी कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसको हम यानी कि सोशल मीडिया पर चाहे फेसबुक हो गया या व्हाट्सअप हो गया या टेलीग्राम हो गया, तो हम लिंक को शेयर करें कर सकते हैं या नहीं, शेयर करने से क्या हमको हमारे चैनल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, तो यानी कि लिंक शेयर करना उचित है या नहीं, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। सर्वप्रथम जैसे कि दोस्तों अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं, तो अगर आपने वीडियो क्रिएट किया है तो दोस्तों जैसे कि ये हो गया, तमाम लोग ऐसे यानी कि ये होता है जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं उसका लिंक क्या करते हैं, तमाम ऐसे ही WhatsApp के ग्रुपों में डाल देते हैं। लेकिन WhatsApp ग्रुप में जैसे ही डालते हैं तो ऐसे उनको एक यानी कि इनको ये होता है, इनको ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनका यानी कि जैसे कि आपने WhatsApp ग्रुप में डाला, कोई कोई बंदा होता है जैसे कि आपकी वीडियो पर तुरंत प्ले करेगा, उसके बाद तुरंत छोड़ देगा, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक आपकी वीडियो को वॉच नहीं करता। वो आपके यानी कि आपके सब्सक्राइबर नहीं रहते हैं, ना ही वो यानी कि जेनरिक सब्सक्राइबर नहीं रहते। जैसे कि आप जेनरिक सब्सक्राइबर कौन से हैं, जेनरिक सब्सक्राइबर वो होते हैं जैसे कि आपकी कोई वीडियो, जैसे मैं वीडियो यानी कि बना रहा हूँ, तो जो बंदा हमारी वीडियो देख कर, अगर वो बंदा हमारी वीडियो से कुछ सीखता है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेता, तो वो होते हैं जेनरिक सब्सक्राइबर। लेकिन आपने तमाम ऐसे ग्रुप को ज्वाइन किए, यानी कि किसी किसी ग्रुप पर 250 से 300 यानी कि ग्रुप रहता है, उसमें यानी कि आप वीडियो को पोस्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, लिंक भेज देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं आपकी वीडियो को तो हल्का प्ले करके उसके बाद यानी कि आवाज से आप यानी कि पूरी वॉच नहीं करते, वो यानी कि चले जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो आपका जो होता है वॉच टाइम, तो पहले बात तो आपके वीडियो का इंप्रेशन जो खासकर एक मायने रखता है, अगर कोई भी वीडियो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक किसी बंदे के पास अगर नोटिफिकेशन, मान लीजिए आपने किसी बंदे के पास आपने वीडियो का लिंक शेयर किया, तो अगर बंदा अगर शुरू से लेकर अंत तक अगर आपकी वीडियो को देखता है तो आपके इंप्रेशन उठता है। अगर लेकिन आप अगर वही बंदा अगर किसी भी बंदे के पास अगर आप भेजते हैं तो वीडियो आपको नहीं देखता, तुरंत एक थोड़ा क्लिक करके देखेगा, उसके बाद वीडियो को डाइन कर देगा, बैक कर देगा, तो आपके ऐसे कंडीशन में आपके यानी कि रीच भी डाउन होते हैं और उसके बाद आपके जो चैनल जो वीडियो का इंप्रेशन होता है वो भी डाउन होता है। तो ऐसा अगर आप लिंक साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। जैसे कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके जो भी चैनल के थोड़ा अगर ऐसे मिस्टेक करें तो ऐसे कंडीशन में चैनल डेड कंडीशन में चला जाता है। और खासकर कभी कभी ये होता है, तमाम ऐसे लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं अपना यानी कि लिंक अपने चैनल का लिंक क्या करते हैं सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप पर तो शेयर कर देते हैं, उसके बाद फेसबुक इत्यादि पर डालते हैं लिंक, यानी जैसे किसी भी बड़े बड़े यूट्यूबर का देखते हैं कमेंट बॉक्स में क्या करते हैं, वो क्या करते हैं यानी कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में उसमें क्या करते हैं अपने चैनल का लिंक भेज देते हैं। तो वो भी अगर आप ऐसा करें तो उससे वजह से आपके भी चैनल का इंप्रेशन डाउन होता है, आपके चैनल का रीच भी डाउन होता है, आपके जो यानी कि आपके चैनल यानी कि आपके चैनल डेड कंडीशन में चला गया। अगर आप इस तरह के अगर लिंक भेज रहे हैं तो आप ऐसा ना करें। और ये तो हो गया जिससे कि आपने व्हाट्सएप पर शेयर किया, उसके बाद आपने सोशल फेसबुक पर शेयर किया, तो ऐसे अगर कर रहे हैं तो आप ना करें तो आपको इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर आप इस तरह से अगर करेंगे तो आपके चैनल का इंप्रेशन भी डाउन होगा, चैनल का रीच भी यानी कि डाउन होगा, उसके बाद आपके सब्सक्राइबर जैसे कि और कभी कभी ये होता देखने को आपको मिलता होगा दोस्तों कि जैसे कि आपने तमाम ऐसे यानी कि यूट्यूबर का यानी कि आपने वीडियो पर देखा होगा कि अगर आपके सब्सक्राइबर जैसे कि मान लीजिए आप आज आपके 502 सब्सक्राइबर हैं, तो लेकिन कभी कभी ये होता है आपको यानी कि प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कभी कभी 500 आज 502 हैं तो कल 499 हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में ये क्यों होता है, जैसे कि आपने किसी बंदे के पास आपने अपने चैनल का लिंक भेजा, लिंक आपने भेज दिया, चैनल का आपने लिंक भेज दिया, उसके बाद उस चैनल वो बंदा आपकी यानी कि चैनल का आप या फिर वो बंदा आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद वो बंदा यानी कि सब्सक्राइब कर लिया, आपने उसके पर्सनली बोला कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन वो क्या करता है जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते नोटिफिकेशन जाता है, वो बंदा आपके वीडियो को नहीं वॉच करता, नहीं देखता है, तो ऐसे कंडीशन में वो आपके जेनरिक सब्सक्राइबर नहीं रहते, क्योंकि वो बंदा आपने उसने पर्सनली आपने उससे बोला कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो ऐसे कंडीशन में भी यानी कि आपके सब्सक्राइबर जो होते हैं डाउन हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी रीच आपके चैनल का इंप्रेशन डाउन होता है, रीच डाउन होता है। ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे कदापि भी ना करें। अगर आपकी वीडियो को किसी बंदे को पसंद आती है, बंदा आपकी वीडियो को पसंद करता है, तो 100% अगर नोटिफिकेशन जाएगा बंदे के पास जो शुरू वो वीडियो आपके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करेगा। दोस्तों अगर आप किसी प्रकार के इस तरह अगर आप लिंक भेज के आप अपने अच्छे खासे व्यूज ला रहे हैं तो ये कदापि ना करें।
आपके व्यूज अच्छे खासे वास्तव में अच्छे खासे व्यूज आएंगे ही नहीं और आपके चैनल वो डेड कंडीशन में चला जाएगा। दोस्तों अगर आज इस तरह से अगर आप अपना अपने चैनल का लिंक किसी भी व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम किसी अगर किसी अदर पर्सन स्थान पर अगर आप शेयर कर रहे हैं तो ऐसा कदाप न करें, ना ही तो आपके चैनल डेड कंडीशन में चला जाएगा। डेड कंडीशन में चला गया तो आपको भारी प्रॉब्लम हो सकती है आपके, यानी कि आपके चैनल पर व्यूज भी कम आएंगे और उसके बाद आपके जो सब्सक्राइबर रहते हैं तो वो घट भी जाते हैं। दोस्तों आई होप दोस्तों ये वीडियो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल ipi.com को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता